रूमी छोटे छोटे शब्दों का उपयोग करते हैं, मैं ट्रांसलेशन का उपयोग करूंगा। एक छोटी सी रूमी की जो बात है वो कहती है कि देयर इज अ वॉइस दैट डजंट यूज वर्ड्स, लिसन। एक आवाज़ है जो शब्दों का उपयोग नहीं करती, सुनो। इस तरह से रूमी लिखते हैं, लंबा भी लिखते हैं, छोटा छोटा भी लिखते हैं। अब ये बातें देखा जाए तो हमारे उपनिषदों से मिलती जुलती हैं, हमारे यहाँ जो हम सूत्रों की बात करते हैं उनसे मिलती जुलती हैं, उनके प्रभाव रहते हैं। रूमी कहते हैं कि हमको उस आवाज़ को सुनना है जो शब्दों का उपयोग नहीं करती, एक ऐसी आवाज़ जिसमें शब्द नहीं है या जिससे सारे शब्द निकलते हैं। हम देखें जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, कीमती है, उसमें शब्दों का उपयोग नहीं है। शब्द जब आते हैं तो किसी भी चीज़ को सीमित करते हैं। अनुभव हमेशा जो गहरा है वो पहले निःशब्द होता है, चाहे वो प्रेम का अनुभव हो, चाहे वो ध्यान का अनुभव हो, चाहे शांति का अनुभव हो। किसी भी चीज़ का अनुभव गहराई में जब उतरता है तो बिना किसी शब्द के होता है, इतना पूरी तरह तय है। तो उसी एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री की तरफ रूमी इशारा करते हैं कि एक ऐसी आवाज़ है जो शब्दों का उपयोग नहीं करती, सुनो। अब ये विरोधाभास भी है, क्या सुने? सुनने के लिए क्या है? हम तो शब्द ही सुनते हैं, हमारे पास तो सुनने का कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि हमारी आदत हो गई है शब्दों को सुनने की। लेकिन अगर हम थोड़ा भी अपने अनुभव में जाएं, प्रेम के अनुभव में जाएं, तो प्रेम की घटना भी ऐसी घटना है जहां पर हम शब्दों से परे जाते हैं और बहुत कुछ सुना जाता है। शब्द अगर कहे जाएंगे तो हमेशा बहुत ही सीमित को वो समेटेंगे, इसीलिए जो गहरे प्रेम में लोग होते हैं वो साथ में मौन बैठना पसंद करते हैं। और जब तक तुम किसी के साथ आनंदित होकर मौन में न बैठ सको तो समझना चाहिए कि प्रेम नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से हमको ये कहाँ दिखाई देता है? सामान्य रूप से प्रेम का मतलब बातें ही करते रहो, मिलने और बातें शुरू हो जाएं। बातें न करें तो लगता है कि लड़ाई है, मोहब्बत नहीं है, कमी क्या बात है, किस बात पे नाराज हैं। तो प्रेमियों को लगता है बातें करनी है, लेकिन जब सच्चा प्रेम घटता है तो बातें बेमानी हो जाती हैं और खामोशी उतरती है। और खामोशी में दो अस्तित्वों के बीच, दो दिलों के बीच नहीं, दो अस्तित्व जो एग्जिस्टेंस है दो लोगों के, उसके बीच में ऐसी लयबद्धता आती है कि सब कुछ जाना जाता है, सब कुछ समझा जाता है। यही बात एक गुरु और शिष्य के बीच घटती है। क्या गुरु और शिष्य के बीच का सारा रिश्ता शब्दों का है? अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो बहुत छोटी बात अभी समझता है, बहुत आंशिक बात। एक गुरु के पास होने का जो सार है वो उस निःशब्द से लयबद्ध होने का ही, शब्दातीत बियॉन्ड वर्ड्स जो है उससे लयबद्ध होने का है। इसीलिए किताबें अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, लेकिन बहुत दूर तक कहाँ चलती हैं साथ में? आप किताबें पढ़ेंगे तो शब्द पढ़ेंगे, शब्द कितनी दूर ले जाएंगे। लेकिन शब्दों के बीच किताबों में भी एक खामोशी होती है, अंतराल होता है। कभी कभी हम शब्द को पढ़ते पढ़ते उसके बीच के अंतराल में खो जाते हैं और तब शायद उसका अर्थ हमारी पकड़ में आ जाता है। इंग्लिश में इसको हम कहते भी हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, शब्दों के बीच में पढ़ना। अब क्या हम शब्दों के बीच पढ़ेंगे? कभी कभी हमको किसी ने कुछ लिखा और हम उसके शब्द पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे अंदर उसका अर्थ कुछ और ही उभर रहा है। तो हमने किसी गहरे तल पर किसी बात को सुना, किसी गहरे तल पर किसी बात को समझा।
बातों को समझाने के बहुत तरीके हैं, चाहे उसको किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पर संतों ने पकड़ा हो। बुद्ध ने इस बात को अलग ढंग से सामने रखा। कहते हैं एक बार वो आनंद के साथ जब विचरण कर रहे थे जंगल में, तो पतझड़ का मौसम था और चारों तरफ जंगल में पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए थे। तो बुद्ध ने कहते हैं एक मुट्ठी पत्ते उठाए और आनंद से कहा कि आनंद, मैंने बस इतना बोला है और जो बाकी पूरा जंगल देख रहे हो वो अनबोला रह गया। आनंद कहता, ऐसा कैसे, आप तो जीवन भर बोलते रहे। तो बुद्ध ने कहा, बोलने की यही सीमा है। एक घटना ये, और दूसरी घटना महाकाश्यप के साथ। कहते हैं कि जब महाकाश्यप बोध को उपलब्ध हुए बुद्ध के सामने, प्रसिद्ध घटना है कि जब बुद्ध एक फूल लेकर सामने आते हैं और उस दिन कुछ बोलते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। अब जो सुनने के अभ्यस्त लोग होते हैं वो तो सुनने आए होते हैं, उनको लगता है कि बोलेंगे या बोलेंगे कुछ, और उस दिन कहते हैं बुद्ध फूल लेकर बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, खामोशी में। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहते हैं महाकाश्यप हंसने लगते हैं। तो जब महाकाश्यप हंसने लगते हैं तो बुद्ध बुलाकर उनको फूल दे देते हैं और कहते हैं कि जो शब्दों से कहा जा सकता था वो मैंने सबसे कहा, और जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था वो मैंने महाकाश्यप को कह दिया। और फिर महाकाश्यप के माध्यम से ही जैन दर्शन की परंपरा शुरू हुई। जैन एक बहुत ही मिस्टिकल नॉन वर्बल टीचिंग की जो है व्यवस्था है। हम इन बातों को कहते हैं ट्रांसमिशन, साइलेंट ट्रांसमिशन। गुरु के साथ होकर एक ट्रांसमिशन घटता है, एक ऐसी समझ भीतर घटती है जो शब्दों के माध्यम से नहीं आती। रूमी उसी के लिए कहते हैं उसे सुनो। अब सुनना एक तो कान के माध्यम से है, लेकिन कान के माध्यम से ही नहीं सुना जाता, हम अपनी पूरी बीइंग से सुनते, पूरे अस्तित्व से। अब ये बातें पोएटिक होती चली जाएंगी, इसीलिए रूमी जैसे लोगों को शायरी का उपयोग करना पड़ता है, शायरी में ही उस बात को कहना पड़ता है, नहीं तो बात बने नहीं। और मुझे लगता है जितनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं गहरी, उनको पोएटिक ढंग से कहना आसान होता है। जैसे अगर किसी से कहें कि मैंने कुछ ऐसा सुना कि अपने रोम रोम से सुना, अपने पूरे अस्तित्व से, तो अभी तो वैज्ञानिक रूप से हमको ये लगेगा कि भाई कहाँ से सुना, कान से सुना, रोम रोम से तो सुना नहीं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि विज्ञान भी अभी हमारी एक लिमिटेड परसेप्शन से चलता है, हो सकता है आगे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जानें जो अभी हम नहीं जान रहे हैं। जो अभी जान रहे हैं वो अभी का सत्य है। जैसे सांसों में हमको लगता है हम नाक से सांस ले रहे हैं, पहले भी लोगों को यही लगता था, लेकिन बाद में हमको धीरे धीरे पता चला कि नहीं, हम पूरे शरीर से सांस लेते हैं। जितने भी हमारे ये रोम हैं, जितने बॉडी के ये पोर्स हैं, इन सबसे हम सांस लेते हैं। तो कहते हैं अगर पूरे शरीर को भी हम पेंट कर दें या किसी पॉलिथीन में बंद कर दें, तब भी हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी और हमारे सर्वाइवल पर भी बड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर उस ब्रीदिंग में रिस्पॉन्स कर रहा है। फिर आजकल एक और धीरे धीरे जब अध्ययन चल रहा है तो बात सामने आई कि यूँ तो हमको लगता है कि हम मस्तिष्क से ही सब सोचते, सेंट्रल सर्वर की तरह अगर देखें तो ये बात सच है कि हम मेन मैकेनिज्म मस्तिष्क में है जिससे सारे प्रोसेस गवर्न होते हैं। लेकिन जितनी बायोलॉजिकल रिसर्चेज इधर होती हैं वो ये पाते हैं कि हर ऑर्गन का अपना एक माइंड है, ऐसा प्रतीत होता है, और इवन हर सेल, हर कोशिका का अपना एक माइंड है। वो अपने ढंग से जैसे सोचती है, प्रतिक्रिया करती है, फंक्शन करती है, वो उसका अपना ही ढंग है।
अब उस माइंड को या उस ब्रेन को या जो भी कहें एग्जैक्टली इस ब्रेन की तरह हो सकता है हम ना भी कभी जान पाएं, लेकिन फिर भी कुछ है उसमें जो अलग से जाना जाता है। तो इसी तरह से जो सुनना है, जैसे रूमी ने कहा सुनो, तो हमको लगे सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा, लेकिन कभी कभी हमको कुछ नहीं सुनाई देता है फिर भी सब कुछ समझ में आता है। उस सुनने का एक अलग तल है। भारत में समझाने के लिए बहुत सारी बातें कही गई, उनको समझना, उनको लिटरल अगर हम देखेंगे तो लिटरल हम कंफ्यूज होंगे, लेकिन समझाने के लिए कही जाती। जैसे अगर हम माइंड की ही बात करें तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस, कलेक्टिव माइंड, तमाम हम वर्ड यूज करेंगे, लेकिन ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये एक ही चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन है। केवल उसको समझाने के लिए कि अगर हम एक खास फिनोमिना को कह रहे हैं तो इस ढंग से कह सकते हैं, अलग फिनोमिना को कहेंगे तो अलग कह सकते हैं। तो भारत में वाणी के भी इसलिए चार तल तोड़े लोगों ने, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। सुंदर शब्द हैं। अब इनको अगर बहुत मिस्टिकल बनाएंगे तो इसमें से अंधविश्वास भी पैदा होंगे, लेकिन परा यानी वो कहते हैं ट्रांसेंडेंटल। हमारे सुनने में चार तल हैं, बोलने में भी चार तल, यानी कि वाणी के तल हैं। तो वैखरी जब हम मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं तो कानों से सुन रहे हैं, और पश्यंती वो कहते हैं जिसमें कुछ देखा भी जाता है, यानी कि वो दृश्य है, दृश्यमान, विजिबल। तो कभी कभी सुनने में भी जैसे कुछ देखने जैसी घटना घटती, इतनी स्पष्टता, इतनी क्लैरिटी दिखाई देता है। एक्चुअली ये अलग बात है, ऐसा नहीं कि आपको दिखाई देने लगा कुछ। जैसे मंत्रों के बारे में भारत में उपयोग किया जाता है कि ऋषियों ने मंत्र देखे, प्रकट हुए उनके सामने। तो एग्जैक्टली उन्होंने देखे, एक बात ये हो सकती है लोग अगर इसको इस ढंग से देखेंगे, लेकिन इसको अगर हम रियल सेंस में इंटरप्रेट करेंगे कि इतनी स्पष्टता है कि देखने जैसी घटना है, जैसे आप किसी चीज़ को जब सुनते हैं या समझते हैं तो जो दिखाई देने में क्लैरिटी है, स्पष्टता है, उतनी ही स्पष्टता से आपको कुछ सुनाई दिया। और परा ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल यानी कि जब कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी कुछ पकड़ में आ रहा है। फिर वहीं पर हम आएंगे जहाँ पर सारे सूफी घूम कर आ जाएंगे कि प्रेम, शांति, कि पकड़ में आते हैं लेकिन पकड़ में आते भी नहीं। किस सिरे को हम पकड़ेंगे प्रेम और शांति के, लेकिन अनुभव तो किया जाता है, महसूस तो किया जाता है, इसीलिए वो ट्रांसेंडेंटल जोन में है। अगर हम उतने रिसेप्टिव सेंसिटिव नहीं हैं तो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए प्रेम नहीं है, हमारे लिए शांति नहीं है। लेकिन अगर हम उतने रिसेप्टिव और सेंसिटिव हैं तो उस ट्रांसेंडेंटल जोन में हमारे लिए प्रेम भी है, शांति भी है। तो उस ट्रांसेंडेंटल स्टेट में हम अस्तित्व की जो यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द सोल है, अस्तित्व की जो एक अंतर्निहित भाषा है, उसको सुनने में सक्षम होते हैं। उसमें बहुत रहस्य हैं, और स्पष्टतः जब हम उस ट्रांसेंडेंटल को सुन पाते हैं तो हम मौन भी हो पाते हैं, या हम मौन में उसको सुन पाते हैं, और वो स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत शक्तिशाली। जैसे किसी को कोई गाइडेंस मिलना है, कोई मार्गदर्शन जीवन में मिलना है, तो सबसे पहली चीज़ होती है जिसको ही वो व्यक्ति मिस करता है। जैसे अगर कोई परेशानी में है किसी बात के, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की, उसको कोई दिशा निर्देश मिल जाए, कोई मार्ग मिल जाए। लेकिन उस बीच वो इतनी उठापटक मचाएगा, इतना शोरगुल मचाएगा, कहीं बाहर रोना धोना करेगा, कहीं अंदर रोना धोना करेगा, तमाम तरह की चिंता और तमाम तरह की इन चीज़ों में उलझा रहेगा, कि वो स्पेस ही नहीं पैदा करेगा जहाँ पर वो जागतिक भाषा, जागतिक मार्गदर्शन, यानी कि वो जो कॉस्मिक गाइडेंस है वो उसके सामने प्रकट हो सके। अगर वो शांत हो सके, ठहर सके उस ट्रांसेंडेंटल स्टेट में, तो उसको कोई गाइडेंस आएगा, उसको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अब हमें ऐसा करना है। कई बार तुमको शब्दों में नहीं भी आएगा,
लेकिन एक्शन में आएगा, तुम उठोगे, तुम वही करोगे। तो इसलिए ही रूमी की ये छोटी सी बात, छोटी सी जो पंक्ति है, ये अपने अंदर इतने मिस्टिकल बातों को समेटे हुए हैं कि अगर हमको सचमुच में जीवन में गहराई में प्रवेश करना है तो पहले हम मौन हों, और मौन होंगे तो हम ध्यान में जाएंगे, शब्दों से हम उलझना बंद करेंगे, क्योंकि शब्द हमेशा डिफाइन कर रहे होंगे, अस्तित्व में कोई डिफिनेशन नहीं, यहाँ कुछ अच्छा और बुरा तो है नहीं, बस है आप उसको देख सकते हैं या सुन सकते हैं। मान लीजिए अभी बिजलियाँ कड़कना शुरू हो, तूफान आना शुरू हो, तो एग्जिस्टेंशली ये ना अच्छा है ना बुरा है, ये एक हैपनिंग है, लेकिन हम इसको जब इंटरप्रेट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, अलग अलग परिस्थितियों और मानसिक दशाओं में। ऐसे ही जीवन की परिस्थितियों में कोई भी स्थिति बन सकती है, अगर हम तटस्थ होकर शांत होकर उसको देखते हैं तो उसके पीछे की जो एसेंशियल कंडीशन है वो हमारे लिए प्रकट हो सकती है, और तब हमारे लिए जो वास्तविक जीवन का मार्गदर्शन है वो प्रकट हो जाता है। Thank you.